हेलो फ्रेंड, क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज कर्बोरस, कर्बोरस क्या होता है और एक किस तरह से काम करता है। और इसी के साथ हम वीडियो को लास्ट में डिस्कस करेंगे कि कर्बोरस वर्जन 4 और वर्जन 5 के बीच में क्या मेजर डिफरेंस है। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप इस कोर्स की पीपीटी या फिर पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि कर्बोरस क्या होता है, तो कर्बोरस एक तरह का सेंट्रलाइज्ड ऑथेंटिकेशन सर्वर होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि कोई भी यूजर किसी सर्वर को ऑथेंटिकेट कर सकता है और कोई सर्वर किसी यूजर्स को ऑथेंटिकेट करता है। इस चीज को अच्छी तरह से समझने के लिए हम समझते हैं एक एग्जाम्पल। तो जो हमारा कर्बोरस होता है ना, एक थर्ड पार्टी ट्रस्टेड सर्वर होता है, ठीक है। इस सर्वर के अंदर क्या होता है कि दो चीजें होती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक ऑथेंटिकेशन फैक्टर होता है, दूसरा हमारा डेटाबेस होता है, और हमारा एक टीजीसी होता है जिसको हम बोलते हैं टिकट ग्रांटिंग टिकट होता है, ठीक है। अब हमारा जो यूजर होगा ना, हम क्या करेंगे, सर्वर क्या करेगा, हमें ऑथेंटिकेट करेगा और हम क्या करेंगे, सर्वर को ऑथेंटिकेट करेंगे, मतलब एक तरह से कम्युनिकेट करेंगे कि हम किस तरह से उस सर्वर का एक्सेस ले सकते हैं। आगे अगर हम बात करें, जो हमारा कर्बोरस होता है ऑथेंटिकेट करता है सर्वर एंड डेटाबेस को, इज यूज फॉर क्लाइंट ऑथेंटिकेशन, मतलब जो कोई क्लाइंट आता है ना, तो उस क्लाइंट के ऑथेंटिकेशन के लिए हम क्या करते हैं कि कर्बोरस ऑथेंटिकेशन सर्वर और डेटाबेस का यूज करते हैं। इसके बारे में भी हम बहुत ही डीपली डिस्कस करने वाले हैं। तो जो कर्बोरस के अंदर होता है, रन करता है थर्ड पार्टी ट्रस्टेड सर्वर, जिसको हम कि डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के नाम से जानते हैं इनको, मतलब शॉर्ट फॉर्म में अगर हम बात करें तो केडीसी के नाम से भी जानते हैं, मतलब एक तरह का थर्ड पार्टी ट्रस्टेड सर्वर होता है जो क्या करता है, सर्विस को प्रोवाइड करने का काम करता है। इज यूजर एंड सर्विस ऑन द नेटवर्क इज ए प्रिंसिपल, ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या मेन कंपोनेंट्स है कर्बोरस के अंदर। तो कर्बोरस के अंदर सबसे पहले कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो है ऑथेंटिकेशन सर्वर। ऑथेंटिकेशन सर्वर पे क्या होता है कि हम क्या करते हैं, ऑथेंटिकेशन सर्वर परफॉर्म करता है इनिशियल ऑथेंटिकेशन ऑफ द टिकट फॉर टिकट ग्रांटिंग। जैसे क्या है कि अगर आपको मान लो कि मेट्रो के अंदर ना एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस तक जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, टिकट लेना पड़ेगा। उसी तरह अगर आपको सर्वर के डेटा को एक्सेस करना है ना, तो सबसे पहले यहाँ पे टिकट लेना पड़ेगा, ठीक है। टिकट क्या होता है, यहाँ पे सर्वर को सर्वर का एक्सेस लेने के लिए टिकट लेना पड़ता है, जिसको हम टिकट ग्रांटिंग सर्विस बोलते हैं। उसके बाद हमारा डेटाबेस होता है। डेटाबेस के अंदर क्या होता है कि डेटा को चेक किया जाता है कि जो भी यूजर्स आया है वो एक ऑथेंटिकेट यूजर है कि नहीं, मतलब एक राइट यूजर है कि नहीं, उसका डेटा डेटाबेस के अंदर मैच खा रहा है कि नहीं, ये सारी चीजें क्या होती हैं, चेक होती हैं। उसके बाद क्या होता है, टिकट ग्रांटिंग सर्वर होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि ये सर्वर क्या करता है कि एक और टिकट को जनरेट करता है फॉर द सर्वर के लिए, ठीक है। इस एग्जांपल से हम समझते हैं कि क्योंकि सबसे ज्यादा ना जो फोकस होने चाहिए वो होना चाहिए डायग्राम पे, क्योंकि सारा जो खेल है वो डायग्राम का। अगर आप डायग्राम समझ गए तो पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। यहाँ पे क्या है कि हमारा यूजर है और यहाँ पे हमारा कर्बोरस है, ठीक है। कर्बोरस के अंदर ये क्या है, एक अलग थर्ड पार्टी ट्रस्टेड सर्वर है, ठीक है। मेन सर्वर हमारा यहाँ पे है, लेकिन ये क्या है, हमारा थर्ड पार्टी सर्वर। इसके अंदर क्या, तीन चीजें एग्जिस्ट करती है, ऑथेंटिकेशन सर्वर, टीजीएस, और उसके बाद हमारा क्या है, डेटाबेस, ठीक है। ये तीन चीज इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। टीजीएस का मतलब हो गया टिकट ग्रांटिंग सर्वर, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, यूजर सबसे पहले क्या करता है, ऑथेंटिकेशन के लिए मतलब रिक्वेस्ट डालता है। इस सारी प्रोसेस को हम समझते हैं आगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेगा, यूजर लॉगिन करेगा किसके लिए, सर्विस रिक्वेस्ट के लिए। तो सबसे पहले यूजर ने क्या किया, रिक्वेस्ट मारा कर्बोरस सर्वर को किसके लिए, सर्विस के लिए, ठीक है, कि वो सर्विस को एक्सेस कर पाए। तो यूजर क्या करेगा, लॉगिन करेगा सबसे पहले रिक्वेस्ट सर्विस के लिए और होस्ट के लिए, ठीक है। स्पेसिफिक पूछेगा टिकट ग्रांटिंग सर्विस के लिए किसे, कर्बोरस से। उसके बाद क्या होगा, दूसरी चीज सर्वर क्या करेगा उसके रिस्पेक्ट में, जब यूजर ने लॉगिन किया और पूछा मुझे सर्विस चाहिए, तो सर्वर जो कर्बोरस सर्वर था उसने बोला ऑथेंटिकेशन सर्वर वेरिफिकेशन वो करता है, सबसे पहले आपके डेटा को चेक करता है कि आप क्या राइट पर्सन हो, क्योंकि वो क्या करेगा, अपने बगल वाले डेटाबेस के पास जाएगा और वहां पे आपका डेटा फाइंड आउट करने की कोशिश, जो भी आपका आईपी एड्रेस है वहां पे फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। अगर आपका आईपी एड्रेस वहां पे मिलता है तो क्या है, आप एक तरह के राइट पर्सन हो गए, ठीक है। उसके बाद क्या करता है कि प्रोवाइड करता है एक टिकट, ठीक है, एक टिकट प्रोवाइड करता है, टिकट ग्रांटिंग टिकट, ठीक है, आपको टीजीसी टिकट देता है और एक साथ में सेशन की भी देता है, कि मतलब कुछ सेशन की क्या होता है कि आप कितने टाइम्स के लिए इस चीज को यूज कर सकते हैं,
ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि इनक्रिप्ट करता है, इनक्रिप्ट द रिजल्ट यूजिंग द यूजर पासवर्ड। वो क्या करता है, जो सारी चीजें देता है वो क्या करता है कि पासवर्ड के थ्रू उनको सारी चीजों को, जो भी रिजल्ट होता है ना, उसको इनक्रिप्ट कर देता है। मतलब ऐसे फॉर्मेट में नहीं देता है, आपको इनक्रिप्ट करके क्या करेगा, यूजर्स के पास भेज देता है। अब यूजर क्या करता है, तीसरी पॉइंट में फिर टीजीसी के पास जाता है, यानी ट्रांसमिशन टू द टिकट ग्रांटिंग सर्वर। अब हमें क्या जाना है, अब यूजर क्या करेगा, टीजीएस के पास जाएगा, टिकट ग्रांटिंग सर्वर के पास। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले क्या करेगा, जो रिजल्ट उसने दिया था सर्वर ने, उसको क्या करेगा, डिक्रिप्ट करेगा यूजिंग द यूजर्स पासवर्ड। जो भी यूजर्स पासवर्ड था उसके हेल्प से क्या करेगा, उसको डिक्रिप्ट करेगा। उसके बाद क्या करेगा, जो उसने टिकट लिया था ऑथेंटिकेशन सर्वर से, उस टिकट को भेज देगा TGS के पास, ठीक है, इंक्लूडिंग द ऑथेंटिकेशन लाइक यूजर नेम और नेटवर्क एड्रेस के साथ भेज देगा। उसके बाद क्या होगा कि अगले प्रोसेस में क्या होगा कि जो हमारा TGS है, टिकट ग्रांटिंग सर्वर है, वो क्या करेगा, सबसे पहले वो क्या करेगा, डिक्रिप्ट करेगा। आप भाई जो आपने भेजा है उसको क्या करेगा, डिक्रिप्ट करेगा रिसीव्ड टिकट एंड वेरीफाई द ऑथेंटिकेशन। आपके टिकट को रिसीव करेगा, वेरीफाई करेगा आपको कि जो भी आपने ऑथेंटिकेशन भेजा है वो सही है कि नहीं। उसके बाद क्या करता है कि क्रिएट करता है टिकट फॉर द यूजर, रिक्वेस्ट सर्विस फॉर द सर्वर। उसके बाद फिर से टिकट आपके लिए जनरेट करेगा जिससे कि आप सर्वर का एक्सेस ले सकते हैं। उसके बाद क्या होगा कि यूजर्स के पास फिर वो सारी चीजें, जो भी टिकट उसने जनरेट किया, उस टिकट को यूजर्स को भेज दिया। अब यूजर क्या करता है कि ना, सेंड करता है टिकट एंड ऑथेंटिकेशन टू सर्वर, ठीक है। तो यूजर क्या करेगा, सबसे पहले जो टिकट उसको मिला था वो क्या करेगा, सर्वर को सेंड कर देगा, ठीक है, कि हम आपकी सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं, ऑथेंटिकेशन टू द सर्वर के लिए भेज देगा। उसके बाद सर्वर क्या करेगा, उसको वेरीफाई करेगा और सर्विस एक्सेस कराएगा। तो सबसे पहले सर्वर क्या करता है, वेरीफाई करता है टिकट एंड ऑथेंटिकेशन, आपके टिकट और ऑथेंटिकेशन दोनों चीज को वेरीफाई करता है। उसके बाद ग्रांट आपको परमिशन देता है एक्सेस टू द रिक्वेस्ट सर्विस अलाउ टू द यूजर टू एक्सेस दे। तब क्या कर सकते हैं, आप इस सर्विस को छठे पार्ट में क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते। सबसे पहले इस चीज के हमें इस एग्जांपल को समझना है, मतलब इस डायग्राम को समझना है। ओवरऑल सारी चीजें यहीं पे है। यूजर क्या करता है, लॉगिन करता है ऑथेंटिकेशन सर्वर के लिए, मतलब कि ऑथेंटिकेशन के लिए कि हम सर्विस एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं। दूसरे पॉइंट में क्या होता है कि ऑथेंटिकेशन जो सर्वर होता है ना, आपका डेटा चेक करता है अपने बगल वाले डेटा बेस के पास और चेक करता अगर आप एक राइट पर्सन हो, ठीक है, तो उसमें आपको क्या करेगा कि एक टिकट जनरेट करके दे देगा, टिकट ग्रांटिंग सर्विस जनरेट करके, और वो जो जनरेट करके देगा, जो रिजल्ट देगा वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में देगा और उसका साथ में पासवर्ड भी आपको देगा। अब आप क्या करोगे, उस पासवर्ड को डिक्रिप्ट करोगे और उस टिकट और जो ऑथेंटिकेशन था ना और नेटवर्क टाइप था, उसको आप भेज देंगे टीजीएस के पास, यानी टिकट ग्रांटिंग सर्वर के पास भेज देंगे। अब ये क्या करेगा, फिर से आपके डेटा को चेक करेगा कि आपने जो ऑथेंटिकेशन और नेटवर्क टाइप भेजे हैं वो सही है कि नहीं, ठीक है, इन सारी चीजों को चेक करेगा। उसके बाद जो भी आपने मैसेज भेजा था उसको डिक्रिप्ट करेगा। उसके बाद क्या करता है कि ये फिर से आपके लिए एक मैसेज जनरेट करता है, ठीक है, अगर आप राइट पर्सन हो, इसके वेरिफिकेशन में आप पास होते, तो क्या करेगा, फिर से एक आपके लिए टिकट जनरेट करता है और आपको टिकट देता है। टिकट देगा तो पांचवें पॉइंट के अंदर क्या होगा कि यूजर्स क्या करेगा, उस टिकट को भेजेगा सर्वर के पास। सर्वर क्या करेगा, उस टिकट को क्या करेगा, चेक करेगा, वेरीफाई करेगा कि आपका जो टिकट है राइट टिकट है, वेरीफाई करेगा और ऑथेंटिकेशन आपका चेक करेगा। उसके बाद कहेगा भाई छठे पॉइंट में कि आप मेरी सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल कर्बोरस का प्रोसेस था कि कैसे कर्बोरस काम करता है। अब हम जल्दी से देख लेते हैं कि कर्बोरस वर्जन 4 और वर्जन 5 के बीच में क्या मेजर डिफरेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कर्बोरस वर्जन 4 और वर्जन 5 के बारे में। तो सबसे पहले जो कर्बोरस वर्जन 4 आया था, इसको रिलीज किया गया था वर्जन 5 से पहले, यानी 1980 के लेट में इसको किया गया था, यानी कह सकते हैं कि 1980 में कर्बोरस वर्जन 4 को ला दिया गया था। और जो कर्बोरस वर्जन 5 था, इसको पब्लिश किया गया था 1993 के अंदर में, लगभग 5 साल बाद किसको लाया गया, कर्बोरस वर्जन 5 को लेके आया गया। अब अगर हम बात करें की साल्ट एल्गोरिथम, यहाँ पे लिखा है की साल्ट एल्गोरिथम का मतलब होता है कि जैसे आप अपने खाने के साथ किसी को भाई नमक क्या होता है कि साल्ट ज्यादा चाहिए होता है, किसी को कम चाहिए होता है, तो जो कर्बोरस वर्जन था ना, इसको नमक कम चाहिए था। यहाँ पे क्या होता है कि ये क्या करता है कि ये जो प्रिंसिपल का नेम था उसको पार्शियली यूज करता था, लेकिन जो कर्बोरस वर्जन 5 था ये पूरा एंटायर प्रिंसिपल का नेम यूज करता था,
यूज द एंटायर प्रिंसिपल नेम, तो मतलब इसको नमक ज्यादा पसंद था, इसको कम पसंद था। तो एक था की साल्ट एल्गोरिथम, इसको बोलते हैं। उसके बाद हमारा आ गया इनकोडिंग। इनकोडिंग में क्या होता था, जो रिसीवर मेकिंग राइट्स इनकोडिंग सिस्टम था, और यहाँ पे ये SI1 कोडिंग सिस्टम था। यहाँ पे जो टिकट सपोर्ट था सेटिस्फैक्ट्री था, मतलब कि बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन कह सकते हैं कि हाँ आपको टिकट मिल जाती थी। लेकिन यहाँ पे जो वर्जन 5 आया, इसके अंदर बहुत ज्यादा एक्सटेंड कर दिया गया जो फैसिलिटीज थी कि टिकट आपको मिल सके। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, पोस्ट डेटिंग टिकट भी होती थी कि आप पहले से टिकट कर लो कि आपको सर्वर का एक्सेस लेना है। उसके बाद नेटवर्क एड्रेस की बात करें, तो यहाँ पे क्या करता था कि एक कंटेंट करता था ओनली ए फ्यू आईपी एड्रेस, सिर्फ एक आईपी एड्रेस को कंटेंट करने का काम करता था, और अदर जितने भी एड्रेस थे फॉर टाइप्स ऑफ नेटवर्क प्रोटोकॉल्स के लिए। और यहाँ पे क्या था कि कंटेन करता था मल्टीपल आईपी एड्रेस को, ठीक है, इसलिए इसको ज्यादा पावरफुल समझा गया, जो कि हमारा कर्बोरस वर्जन 5 है। और यहाँ पे भी जो भी एड्रेस थे अदर टाइप्स ऑफ नेटवर्क प्रोटोकॉल अवेलेबल थे। तो आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि कर्बोरस क्या होता है, इसके बीच में क्या मेजर डिफरेंस है दोनों वर्जन के बीच में, और एक काम कैसे करता है। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप अभी तक इस कोर्स की PDF नोट्स को डाउनलोड नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।